लगी हूँ कढ़ी, और ये दही के 3 डब्बे हैं, 500-500 ग्राम का एक डब्बा था, तो 3 डब्बे यानी तकरीबन 1.5 किलो दही है। इसलिए कि हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है, और जब बन जाती है तो फिर बस इसी को ही खाया जाता है 1-1.5 दिन। तो ये मैंने दही निकाल लिया डब्बों में से, और इधर मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया है 3 दरमियाने साइज की प्याज थी, एक पूरा बड़ा लहसुन था, और थोड़ा सा बिल्कुल अदरक था, और बीच में नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, और ये वाले चम्मच, ये टेबल स्पून से बड़ा चम्मच है, ये मैंने 4 डाले हैं दही के भर के, बेसन के भर के। और ये सारी चीज़ें डाल के मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, बेसन और मसाले इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, और अब ये जो है ये मैं दही में मिक्स कर दूँ। ये जो सारा मैंने बनाया है दही में मिक्स कर दूँगी। ये मैंने सारी चीज़ें इसके बीच में डाल दी हैं, और मैंने 1/2 टीस्पून जो है हींग भी डाली है, इसलिए कि कड़ी बादी होती है तो मैं इसमें हींग ज़रूर डालती हूँ, उसका जो पाउडर है। और अब इसको मैंने यहाँ तक भर दिया, ये मेरा काफ़ी बड़ा देश का है, और अब इसको पहले तो मैंने तेज़ आंच पे बनाना है और मुसलसल हिलाते रहना है ताकि उबल के बाहर ना गिरे। फिर जब 2-3 उबाले आ जाएंगे तो फिर मैं इसको ढक्कन दे के फिर पकने के लिए छोड़ दूंगी। और ये आप समझे यहाँ पे है ये कढ़ी, तो ये पक पक के जब यहाँ आ जाएगी तब मैंने इसका चूल्हा बंद करना है। तकरीबन 2-2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे तो कहीं नहीं गए इसको पकने में, तभी मज़े की कढ़ी बनेगी। ये 2 दिन पहले जब बहुत गर्मी थी तो मेरी बेटी ने पानी इसमें ठंडा डाल के तो फ्रीज़र में रख दिया कि चले जल्दी ठंडा होगा तो पियेंगे, और फिर हम भूल गए, 2 बॉटल्स थी, तो ये शीशे की बॉटल का ये हाल हुआ है। ऐसे बुरे तरीके से वो फटी है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ठंडा पानी था या तो कि गर्म पानी है या कुछ ऐसा। तो और ये इसके ज़र्रे हैं, और दूसरी बॉटल ये है शीशे की, लेकिन ये ठीक रही है, लेकिन इसका तो पटाखा पड़ गया। ये जी मेरी कढ़ी पक पक के तैयार हो गई है, देखें गाढ़ी भी हो गई है, ये यहाँ पे थी और ये इतना पकी है। और बस अब मैंने ये पकौड़ों का सामान मैं बना रही हूँ, इसमें है प्याज, पालक, आलू नहीं है इसलिए आलू नहीं डाले, हरी मिर्चें, अदरक और सारे मसाले वगैरह, और बस अब इसका पकौड़ों का सामान बना के, पकौड़े बना के मैं इसमें डालूंगी, और आखिर में मैं तड़का दूंगी इसको। ये मैं कढ़ी को तड़का देने लगी हूँ, करी पत्ता, लहसुन, राई, ज़ीरा और साबुत सूखी मिर्च। साबुत सूखी मिर्च जो सूखी होती है वो मेरे पास नहीं थी, बाकी चीज़ें मैंने डाल के, तो मैं इसका तड़का देने लगी हूँ कढ़ी को।